बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं रावलपिंडी पहुँच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से स्टडी के लिए, इनिशियल टेस्ट ISB की तैयारी के लिए। और ऐसे स्टूडेंट भी रब्ता करें जो क्रेडिट कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं। बेटा, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको आने चाहिए। मैं अभी आपको डिक्टेट करवाने लगा हूँ और आपको चाहिए कि उनको लिख लिया करें क्वेश्चन को, ताकि याद रहें आपको। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? सबसे छोटा जो मुल्क है दुनिया का वो है वेटिकन सिटी। मीनिंग ऑफ सूरह अल-फतह, अल-फतह सूरत का क्या मतलब है? इसका मतलब विक्ट्री यानी कि कामयाबी, फतह। इस तरह मीनिंग ऑफ सूरह अल-फातिहा, दी ओपनर, दी की। दी मीनिंग ऑफ सूरह अल-बकरा, दी काओ, दी हाइफर। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट? इजिप्टियन पाउंड। सही अल-बुखारी इज रिटन बाई इमाम मोहम्मद अल-बुखारी, इन्होंने लिखी है। अच्छा, ऐसे के बारे में बच्चे बड़े फिक्रमंद हैं, सर इनिशियल में जो ऐसे है कैसे लिखना है? तो ऐसे में बेटा देखें, वो शॉर्ट ऐसे लिखना है, कोई तवील ऐसे नहीं लिखना। जो आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लिखते हैं ना, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जो ऐसे लिखा जाता है, उस तरह के ऐसे नहीं लिखना आपने। वो काफ़ी तवील होता है, वो दो पेज और पाँच लाइनें, मतलब ढाई पेज का ऐसे होते हैं। यहाँ तो शॉर्ट ऐसे लिखना है, आधे पेज के ऐसे लिखना होता है आपने। एक उर्दू में ऐसे आ रहा है, एक इंग्लिश में आ रहा है। टू दी पॉइंट लिखना है, शुरू में आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में जा सकते हैं, उसकी हिस्ट्री पेश कर सकते हैं, और फिर सेंटर में आप मेन उस टॉपिक पर बात करते हैं, बात को फैलाते हैं, और लास्ट में फिर आप कंक्लूजन पेश करते हैं। ठीक है, हेडिंग्स नहीं होती ऐसे में, ऐसे में किसी किस्म की आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी। ठीक है, दूसरी बात, इंटरव्यू के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर इनिशियल पास कर लिए तो अभी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोग आएँ, रावलपिंडी आएँ मेरे पास। ठीक है, तैयारी करें आके। अगर किसी वजह से नहीं आ सकते, मजबूरी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत दूर है मेरे से, या किसी भी वजह से, बल्कि दूरी तो सोचता भी नहीं है, एक फौजी बंदा दूरी नज़दीकी नहीं सोचता। जब एक बंदा जब आर्मी में जाता है तो उसके नज़दीक मीटर, किलोमीटर, ये कोई मीनिंग नहीं रखते, फासले नहीं नापता। ठीक है, फासले को मीनिंग नहीं होती। तो फौजी जेन वाला बंदा जो होता है कामयाब हो जाता है। बच्चे यहाँ क्वेटा से भी आते हैं, कराची से आते हैं, दूर दराज से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो ये तो आप जेन से निकाल दें कि दूर हैं हम, काफ़ी पिंडी बहुत दूर है, पिंडी सेंटर में बैठे हैं हम यहाँ पे। क्वेटा खुजदार से जब बच्चे आ सकते हैं, कराची से आ सकते हैं, तो करीब से भी आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, जेन आपको फौजी होना चाहिए। बहरहाल, अगर किसी और मजबूरी, आप जॉब करते हैं फिर छुट्टी नहीं मिलती, कोई और इश्यू, तो मेरे से फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मैं आपको इस इनिशियल इंटरव्यू के बारे में, मैं तो 68 लेक्चर दी हुई हैं यूट्यूब पे। ठीक है, 60 लेक्चर मेरे सरमरान चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और 8 लेक्चर मेरे सक्सेसफुल लाइफ पे अपलोड हो चुके हैं। सिंपल तरीके, आप प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट में इनिशियल इंटरव्यू की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखें। सारे इंटरव्यूज़ के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, डेमो है इसके अंदर, अकेडमी के अंदर बच्चों की जो वीडियोज़ हैं वो बनाई हुई हैं मैंने, काफ़ी इस पर मेहनत की। अगर देखें तो सही, चैनल पे विजिट तो करें, पता चल जाएगा कितनी मेहनत है। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे कि सर लिंक सेंड करें, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और टॉपिक्स कौन से आते हैं ऐसे के हवाले से? सिंपल से टॉपिक्स आते हैं, जैसे पैसे की अहमियत, ठीक है, जैसे मेरा ख़ानदान, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, एक इंग्लिश में आता है, एक उर्दू में आता है। तो इस तरह क्या, आप अगर मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं तो इंशाल्लाह ग्रुप में आपको फ़ायदा होता रहेगा। ग्रुप लेफ्ट ना किया करें। ठीक है, ग्रुप में मैं अपने स्टूडेंट की कामयाबियाँ पेश करता हूँ, फिर बाद बच्चे लेफ्ट कर जाते हैं कि इसमें मैसेज आते हैं कि इनिशियल पास कर लिए, तो खुशी से करते हैं। आप को चाहिए कि दूसरे की खुशी में खुश हों। ठीक है, मैं स्टेटस पे लगाता हूँ स्टूडेंट की कामयाबियाँ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो आप लोग जब कामयाब होते हैं हमें खुशी होती है, तो मैं फिर ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो आप फिर बाद बच्चे कहते हैं कि सर इसमें बार बार स्टूडेंट की कामयाबियों के बारे में आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो इसलिए हमने ग्रुप लेफ्ट कर दिए। ये तो खुश होना चाहिए कि आपने ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हो जिसके स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी से किनार हो रहे हैं, तो इसलिए लेफ्ट ना किया करें। और जो नोट्स हैं मेरे से आज मंगवाएं, जिन्होंने नहीं मंगवाए वो मंगवाएं, और रावलपिंडी में जो बच्चे मेरे से मुलाकात करें, आके मिलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज़ फराज अली समू फ्राम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। जैसे कि तमाम मेरे दोस्त से गुजारिश की जा रही है कि आज का ये जो पैगाम है वो बहुत ज़रूरी है। ये पैगाम ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के हवाले से जो है ना टेस्ट देने जा रहे हैं, तो मैं उन सब दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि आपको अभी रैंडम वेबसाइट्स पे जो है ना सर्च करने की कोई नीड नहीं है।
और मैंने भी बहुत मरतबा ट्राई किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करते हुए मैं एक अथेंटिक रिसोर्सेज पे पहुंच गया। तो अभी जो ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिनकी तस्वीर मैंने आपके इस वीडियो के अंदर शामिल कर दी है, वो इनिशियल नोट्स के हवाले से जो कि सर इमरान के नाम से बने हुए हैं। और सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपके सामने ही दिया गया है। अगर आप उनको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी सर इमरान के नाम से एक चैनल बना हुआ है जो कि बहुत सपोर्टिंग चैनल है। तो मैं तमाम अपने करीबी रिश्तेदारों को और जो मेरे दोस्त हैं खासतौर पे सिम से रिलेटेड, तो उनको मैं गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अपडेटेड नोट्स हैं और इनके अंदर जो है ना बहुत अच्छा और खासा मटेरियल मौजूद है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए इनफ हैं। तो अगर आपको सेंटर वगैरह ज्वाइन करना है तो उनकी एकोमोडेशन के हवाले से भी आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर का नंबर है इसके अंदर, और बाकी जो जितनी भी डिटेल है वो सारी नोट्स के अंदर मौजूद है और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पूरी गाइडलाइन और प्रॉपर तरीके के हवाले से इनके अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।